हम लोग अब भारतीय संविधान जो हमारे सिलेबस में जुड़ गया है और कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोगों ने यूपी टेट में भी पढ़ लिया है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि संविधान को पढ़ने से पहले कुछ काम कर लेते हैं। पहला काम तो लिख लिया हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान। प्रस्तुतता है संविधान किसे कहते हैं, संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी, इसको हम लोग अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में संविधान, भारत का जो संविधान, अगर इसकी परिपेक्ष इस शब्द के अगर भंडार में जाएंगे तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारी परीक्षा को मात्र 40 दिन बचे हैं, 45 दिन, 31 दिसंबर तक हमारी क्लासेस चलेंगी, 6 दिन आप तैयारी करनी है। तो 40 दिन में हम भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है उसके बारे में पढ़ना, क्या उसके शब्दों को नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक रणनीति के तहत हम लोगों को पढ़ना होगा। तो आज हम प्रयास करेंगे कि आपकी क्लास में आपका कुछ अध्याय कंप्लीट हो जाए ताकि हम 10 दिन में पूरी संविधान को खत्म कर दे। यह मेरे लिए बड़ी चुनौती और आपके लिए बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती इसलिए है कि मैं कथा की तरह वाच दिया और आपने ताली बजाया, प्रसाद लिया, घर चले गए, सत्संग खत्म हो गया और परीक्षा आया, पता चला कोर्स तो खत्म लेकिन नंबर नहीं आए। हम इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जितना यहाँ उच्चारण करूं उतना सशक्त उसे वाचन करे और उतना ही मनन करे और परीक्षा में उसका उपयोग करके बेहतर अंक अर्जित करे। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले हमें 4 से 5 ठो हाइलाइटर खरीदना है। क्या खरीदना है, हाइलाइटर। देखिए हाइलाइटर आप लोग जानते होंगे, देखिए ये हाइलाइटर है, 1 2 3 4। अब संविधान से हाइलाइटर क्या संबंध भाई, संविधान पढ़ने जा हाइलाइटर क्या संबंध। अब प्रश्न ये है कि संविधान में इतने ज्यादा पेज है कि याद करने में कठिनाई होता है और हमारा दिमाग, जो मनुष्य का दिमाग होता है, वह कलर को सबसे जल्दी याद करता है। और अगर आप कलर को, जिससे ये नोट्स मैंने, जो नोट्स आपको पढ़ा नहीं, मैंने कलर कर दिया है, अब जैसे ही कलर देखेंगे ये तो समझ जाएंगे इस कलर से मैंने संविधान की परिभाषा लिखी है और कलर देखते ही मुझे याद आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। फिर मैं कलर देखूंगा रेड कलर, इसका मतलब है संविधान का क्या किया मैंने, कि अलग अलग तरह से किस तरह संविधान को दिया गया है, नाजीवाद, फांसीवाद, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक को प्रजातांत्रिक क्या, तानाशाही, मैं तुरंत इस बात को समझ जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि दिमाग जो हमारा होता है वो क्या करता है, कलर को जल्दी याद करता है। दूसरी बात, हम याद कैसे कोई चीज करें, क्योंकि यूपी टेट में आप लोग पढ़ क्या है, पढ़ाना नहीं है आपको, अब आपको क्या कराना है, केवल आपको प्रैक्टिस करवानी है ताकि आप 40 दिन में बेहतर परिणाम दे दे। और आप बहुत खुश नसीब है कि जैसे टेट में पढ़ के आए तुरंत लिखित पढ़ना है, मतलब 3 महीना वो, 2 महीना ये, आपका पढ़ाई कितना हो गया, 5 महीने का हो गया। अब इसी को हमें परिणाम में बदलना है। अब पढ़ने की जो हमारी रणनीति होगी, कि लोग कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता, तो याद नहीं होता उसके बारे में एक चैप्टर ले लेंगे, एक अध्याय, क्योंकि लोग कहेंगे आपने संविधान टॉपिक डाला है और पढ़ना कुछ और है। इसलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे किया जाता है, ठीक, क्योंकि अब हमारे पास वही है। और एक बात मैं पढ़ाने का तरीका बता दूं, सब लोग अपने आप साथ हाइलाइटर ले लेंगे कल से, आज तो आपने क्लास कर ली है, सब लोग हाइलाइटर ले लेंगे, यह नोट्स आप सभी के हाथ में होगी, सबके हाथ में, जितने लोग पढ़ेंगे। और आपको लिखना कुछ नहीं है, सब कुछ हमें ओरली करना है, क्योंकि लिखवाएंगे संविधान महीनों सालों चलता रहेगा, संविधान खत्म नहीं होगा। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, मैं इसे वाचूंगा और आप इसे घर जाके पढ़ेंगे, बस हाईलाइट करते जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात, मैंने इन सभी से जीएस से आपको मैं बता चुका हूं 8000 से ज्यादा क्वेश्चन इकट्ठा किया हूं, इसलिए इकट्ठा किया हूं ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके अंदर ये ऊर्जा है, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। इतनी बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, एकदम क्वेश्चन देखते ही पता है, तो विकल्प यही है, कंफ्यूजन क्रिएट है ना, और आप परीक्षा में हार में बताने जाए इसका उत्तर ये नहीं ये है। तो यह विवाद खत्म करने के लिए मैं इतने क्वेश्चन दूंगा और प्रतिदिन 400 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और लिखित परीक्षा में मेरा बस एक टारगेट है, आपको सफल बनाना, बस आप मेहनत करिए, कहीं तो आप कोई मार्कर नहीं खरीदिए, सारी चीजें हम देंगे आप संतुष्टि के लिए, आप ले सकते हैं 12-10 घंटे के अलावा, जो वर्क के अलावा आप ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं, संविधान किसे कहते हैं, ये आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा, फिर भी जान लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, संविधान भी किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के तहत संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश के नियमों, जनता सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों एवं अधिनियमों का संग्रह होता है। मैं पुनः रिपीट करता हूं, संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश की जनता एवं सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों एवं अधिनियमों का संग्रह होता है। समझ आप लोग को, चलिए और आगे बढ़ते हैं। संविधान जो का वर्गीकरण 2 भागों में कहा जाता है, एक होता है प्राथमिक संविधान, एक होता है द्वितीयक संविधान। तो प्राथमिक संविधान और द्वितीयक संविधान में बहुत विशेष अंतर नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे आपने घर में खाना बनाया,
नमक कम हो गया तो क्या करते हैं आप, क्यों स्वाद के लिए नमक का लेते हैं, लगता है कि नमक का, लेकिन क्या नमक डालने के बाद पुरानी चीजें दिखती है खाने में, स्वाद में थोड़ी सी परिवर्तन आ जाती है। तो सेम वही हमारा संविधान भी है कि प्राथमिक संविधान किसे कहते हैं, संविधान जो पहले बना, सब्जी जो पहले बनी, नमक कम हुआ नमक मिला दिया तो द्वितीयक हो गया, माने जो कमियां थी उसे सुधार दिया द्वितीयक संविधान हो गया। लेकिन मूल संविधान क्या था, पुराना था। इसमें अंतर देखिए, प्राथमिक संविधान किसे कहते हैं, संविधान को कहते हैं, इसे संशोधित नहीं कह सकता। भाई सब्जी पकेगी तब तो स्वाद पता चलेगा, अभी तो पका रहे, मनुष्य पकाने से पहले संशोधित नहीं कह सकते, संशोधन माने उसमें कुछ बदलाव करना। दूसरा, प्रायः संविधान एक होती है। अभी क्या है, अभी सब्जी आप बना रहे किसी एक चीज की बना रहे, अब पता लगा तीखा ज्यादा हो गया कुछ ये मिला दीजिए, नमक कम हुआ नमक मिला दीजिए, पानी कम हो गया पानी बढ़ गया पतला हो गया। तो जब तक बनता है संविधान तो संविधान केवल एक होता है, बनने के बाद इसे अलग अलग तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, तीखा के अलावा या तीखा बहुत ज्यादा नमक कम है, लेकिन पहले क्या सब्जी बन जाने के बाद अब उससे वर्गीकरण कर सकते हैं क्या बहुत तीखा है या देश का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित है अलिखित है क्या है, लेकिन ये बनने के बाद। फिर अगला आता है सरकार अन्य कानूनों का स्रोत। अब संविधान प्राथमिक संविधान में देख लीजिए, संविधान एक होता है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता प्रारंभ में, और सरकार कानूनों के द्वारा इसमें नियम बनाए गए होते हैं जिससे सरकार और कानून दोनों बंधे होते हैं। अब द्वितीय में आइए, संसद एवं राज्यों द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संसद एवं राज्यों द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसका निर्माण किया जा सकता है, यह समाप्त भी हो सकता है। अगर संसद चाहे कोई नियम ऐसे हो जिसे समाप्त करना चाहे तो समाप्त भी करने का अधिकार होता है। कब, बनने के बाद, सब्जी सही नहीं फेंक दीजिए बाहर, लेकिन पहले बनेगा तब तो, यह द्वितीय व्यवस्था है। फिर है, इसकी संख्या अनेक हो सकती है, पहले तो बना एक, बाद में लगा यार इसमें खेल को नहीं सम्मिलित किया गया, फिर पता चला कोई दारू पी के सड़क पर चल रहा है उसके लिए कोई और नियम बनाना है तो उसके लिए अलग बनाया गया, माने इसमें कई ढेर सारे संख्या हो सकती है बाद में, प्रारंभ में एक होता है। भाई संविधान बनने के समय ये थोड़ी पता था कि देश की जनसंख्या इतनी हो जाएगी, या जनसंख्या हो जाएगी तो इतने ज्यादा मर्डर होंगे या इतना ज्यादा रेप कांड होंगे, उस समय ये नहीं सोचा गया था। तो जरूरत के अनुसार क्या हुआ, कानून में संशोधन किए गए, उनकी संख्या बढ़ाई गई। प्रारंभ में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आज 450 से अधिक है, ये इसका क्या है उदाहरण है। और अगला क्या है, कानून संविधान के प्रेरित व अधीन होते हैं, और जो कानून होते हैं वो संविधान से प्रेरित होते हैं और संविधान के अधीन ही काम करते हैं। कहा जाता है देश में जो सबसे बड़ा हमारे है वह कानून है, संविधान है, संविधान से बढ़कर देश में कोई नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, ऐसा हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा भी है। अब आगे आते हैं, आधुनिक संविधान में जो हमारे देश का आधुनिक संविधान है इसके विकास में सबसे जो अहम योगदान है वो ब्रिटेन का है। इसका है ब्रिटेन का है, और संवैधानिक सुधार जो है भारत का वह ब्रिटेन के 1215 से लिया गया है, जो बाद में मैग्ना कार्टा बना, 1215 का मैग्ना कार्टा एक्ट है जिसे कहा जाता है भारत के संविधान के जो मूल अधिकार है उसे मैग्ना कार्टा एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, देखिए संविधान का ये विकासित क्रम है, पहले मैग्ना कार्टा एक्ट आया हमने वहां से कुछ सीखा, फिर गौरवपूर्ण 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति रही उससे हमने सीखा, फिर फ्रांस की क्रांति 1789 में, यह प्रश्न पूछता है 1789 फ्रांस की क्रांति, फिर अमेरिका की क्रांति 1776, यह प्रश्न पूछ चुका है 1776 लिखित के लिए महत्वपूर्ण है, 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, लेकिन अमेरिका क्रांति ने कुछ और दिया, इस क्रांति के बाद विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान आया अमेरिका का। यह क्रांति इतनी बड़ी क्रांति नहीं है, यह भारतीय संविधान का इससे घनिष्ठ संबंध है कि एक लोकतांत्रिक देश होने का जो सबसे बड़ा प्रमाण, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला मिलता है अब्राहम लिंकन की मिलती है। और यह कहां से निकला, 1776 से निकला, ठीक, यह देश का विश्व का पहला लिखित संविधान 1776 में अमेरिका का बना। तो एवं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय घटनाएं परिघटनाएं जो हुई यह भारतीय संविधान का क्रमिक विकास या संविधान के उत्पन्न होने में सबसे बड़ा योगदान दिया। क्या क्या था, 1215 का मैग्ना कार्टा एक्ट 1215, फिर 1688 गौरवपूर्ण क्रांति, 1789 फ्रांस की क्रांति, 1776 अमेरिका की क्रांति। यह सभी के क्रांतियां देखने के बाद भारतीयों के मन में ये जिज्ञासा आई कि मैं भी कर सकता हूं। जैसे हम सब अलग अलग जगह ब्रिटिशिंग कर रहे थे, बीएड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, अपने काम में लगे थे, फिर अचानक हमें लगा कि सरकार ने हमें मौका दिया, हम पढ़ के हम इतिहास रच सकते हैं, और आप शुरू हो गए और इतिहास की तरफ अग्रसर हो रहे उस विजय रथ की तरफ, और हम आशा करते हैं आप उस विजय रथ के साथ आप विजय जरूर हासिल करेंगे।
तो सेम यही संविधान की भी कहानी थी। लोगों ने पढ़ा कि किस तरह क्रांति हमें, क्रांति से कैसे देश आजाद हुआ, फिर उसी क्रम में भारतीय संविधान भी आगे बढ़ा। फिर आगे देखते हैं विचारधारा के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किससे हुआ विश्व में, जैसे लोकतंत्र आए, लोकतंत्र की व्यवस्था क्या है, किसी व्यक्ति आपने पढ़ा होगा, पूछा भी था बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में, लोकतंत्र परिभाषा सबसे क्या है, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, माने जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है, यह भी क्या होगी, विचारधारा। लोकतंत्र क्या है, एक विचारधारा, हमें में से कोई व्यक्ति चुनकर जाएगा, हम पे शासन करेगा, हमारे दुख दर्द को समझेगा, बेसक नेता क्या करते हैं वो सब जानते हैं। साम्यवाद, साम्यवाद आया जब रशिया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साम्यवाद को ही समाजवादी कहते हैं, और समाजवादी का मतलब आज हम लोग लगा लेते हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, समाजवादी एक विचारधारा थी जो कार्ल मार्क्स की थी, कार्ल मार्क्स की, उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द कैपिटल, जो कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। ठीक, अगला आता है राजतंत्र, चाइना का सबसे बड़ा उदाहरण, सऊदी अरब सबसे बड़ा उदाहरण है, ये राजतंत्र है, देखने कुछ कहते हैं लेकिन राजतंत्र है। फिर तानाशाही दक्षिण कोरिया, सॉरी उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया किम जोंग, ये तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर फांसीवाद, नाम सुना होगा फांसीवाद का आपने, इटली के मुसोलिनी, इटली के मुसोलिनी। फिर नाजीवाद, जर्मनी के हिटलर, जर्मनी का हिटलर, पांच फुट का इंसान, पूरी दुनिया को बता दिया कि हिटलर क्या है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की पद, व्यक्तित्व क्या, रंग रूप, ये माने नहीं रखता, व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता क्या है वो माने रखता है। तो ये थे संविधान के कहीं ना कहीं अलग अलग विचारधाराओं जिससे हमारे संविधान का क्रमिक विकास या संविधान बनने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे पढ़ते हैं, आज के विश्व की सर्वाधिक जो विचारधारा है सबसे बेहतर वह है लोकतंत्रात्मक। कौन सी है, लोकतंत्रात्मक विचारधारा है। विश्व में अनेक देश में आज भी तानाशाही है, और साथ ही साथ ISI जिसको आप लोग जानते हैं, जो धर्म के आधार पर कहीं न कहीं तुष्टिकरण करके अपने ही देश में आतंक मचा के अपने देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आगे देखते हैं संविधान की श्रेष्ठता का आधार, भारतीय संविधान के श्रेष्ठता का आधार, माने किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक श्रेष्ठ संविधान है, उसके क्या क्या कारण है। नियमों का समूह, हमारे देश में क्या है, नियमों का समूह है जो बना के रखा गया है कि देश कैसे चलाना है, क्या क्या गतिविधियां करनी है। फिर ढांचा मात्र संविधान नहीं है, अपितु इसमें समाहित मूल्यों का भी महत्व है। ये केवल ढांचा नहीं है कि भाई संविधान देश का ऐसा है, वह उसमें जितने मूल्य समाहित किए गए उसका भी प्राय उपयोग किया जाता है। से कहा, कहते आप अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। कह दिए यूपीटेट में दो क्वेश्चन गलत है, सरकार नहीं मानी, कहां जाएंगे, कोर्ट। कहने का मतलब उसमें केवल उसमें जो समाहित दिए गए मूल्य वही नहीं है, उसका उपयोग भी हम करते हैं, जरूरत पड़ने पे हम उससे क्या करते हैं, उपयोग भी करते हैं। जैसे भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ, सरकार नहीं मानेगी, कहां जाएंगे, किस आधार पर, उसी संविधान का जो उसमें जो महत्व दिए, उसमें जो शब्द दिए गए उसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, मतलब कहने मतलब उसको देखने मात्र ही, दर्शन मात्र ही, दर्पण मात्र ही नहीं है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ यह तो अच्छा, ये जैविक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाँ ये तो सत्य है कि आधुनिक जो विधि शास्त्री है वह राज्य की कल्याण की बात करते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, यह इस तरह के जो संविधान होते हैं वह श्रेष्ठ संविधान कहलाते हैं, और भारतीय संविधान इनको पूरी तरह से फॉलो करता है। भारतीय संविधान की जो उद्देश्य का है उसे कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय, उसकी जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, माने 125 करोड़ देशवासियों से, ठीक, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये पार्टी वाला नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो शब्द लिए गए, इन शब्द का पूरा निचोड़ जो होता है वही संविधान है। जो उद्देश्य का है ये संविधान का वह सारांश है, जिसे आपके आता है कि आप इस पाठ का प्रसंग लिखिए, सारांश लिखिए या उचित शीर्षक खोजिए, तो उसी तरह जो हमारे भारतीय संविधान है जिसका जो निष्कर्ष, जो सारांश है वह यही है संविधान के उद्देश्य का, जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंद्रह पे लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, लंबी पुराण को याद है। तो इसमें सबका अर्थ है, संप्रभुता का अर्थ है, समाजवादी का अर्थ है, लोकतंत्रात्मक का अर्थ है, और पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, और जहां ये चीज विद्यमान है वह देश का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, शासन प्रणाली, देश की शासन प्रणाली संवैधानिक दृष्टि से कैसी है। संविधान का, भारतीय संविधान का कई तरह से विभाजन कर सकते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से, जैसे जैसे विश्व के संविधान के दर्पण में अगर भारतीय संविधान को देखेंगे तो ब्रिटेन का एकमात्र ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है,
वह नियमों और प्रथाओं पे चलता है। फिर आगे आते हैं, विश्व का सबसे प्रथम संविधान, लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है, ये 1776। इतिहास से प्रश्न आए, आगे आते हैं, और अगर यह पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो जुबान पर अपने नाम आ जाएगा भारत। ठीक, और अब संविधान भी होती है किस तरह की, एकात्मक शासन व्यवस्था है कि संसदात्मक है। एकात्मक का मतलब कौन उदाहरण है, अमेरिका। एकात्मक मतलब है यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वही देश का सर्वे सर्वा होता है, वहां की जो वैश्विक मताधिकार होती है वो किसको चुनती है, अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष को। और हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को, नहीं उसे प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता, उसे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, शासनाध्यक्ष। वो राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं और प्रत्यक्ष रूप से शासनाध्यक्ष चुनते हैं, और ये संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक, गणराज्य का मतलब क्या है, हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, ध्यान दीजिएगा भारत एक गणराज्य है, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता, ब्रिटेन की भांति वह 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं क्या, राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति, जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है वंशानुगत होता है, यह कहा जाता है। यदि ब्रिटेन का राष्ट्र मर जाए तो उसकी जो मुकुट होती है अगर उसे कुर्सी पर रख दिया जाए तो जो जो संसद काम करेगी वह राजाज्ञा मारा जाएगा, इसे हम कह सकते हैं। अगर वहां उनका कुत्ता भी है उसके सर पर मुकुट रख दिया जाए, कोहिनूर का ताज, तो देश का क्या कहलाएगा, बादशाह कहलाएगा, उसी के आधार पर संसद काम करेगी, अर्थात उस देश का ताकतवर कौन हुआ, संसद। इसलिए उसे कहते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री चिल्लाते रह जाए अगर लोकसभा राज्यसभा ना पारित करे, कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, ताकत किसके पास है, संसद के पास, उसे ही कहा जाता है शासनाध्यक्ष। कौन है, उसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, किंतु काम कौन करती है, देश की संसद करती है। इसलिए जो हमारी शासन व्यवस्था है उसे कहा जाता है संसदात्मक शासन व्यवस्था, जबकि अमेरिका में क्या है, एकात्मक। वहां केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, वहां प्रधानमंत्री मतलब जीरो, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, अभी देखेंगे राष्ट्रपति पास शक्ति है भी और नहीं भी। बराबर कस्टम। इस प्रकार हमने देखा एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। और आगे बढ़ते हैं, आप लोग को ना, चलिए अब कुछ शब्द है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे राजनीति शास्त्र का जो पिता है उसे कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु कहा जाता है। यह 17 विषयों के जन्म जाता है, यहाँ तक कि मनोविज्ञान का भी जब पूछ देगा तो अरस्तु ही लगाइएगा, जब किसी विषय का पूछे नाम नहीं याद रहे अरस्तु नाम लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। 17 विषय बेचारे अकेले लिखे हैं। अच्छा, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉलिटिक्स, ये पूछी जाती है, ठीक ये याद रखिएगा। आगे जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो इटली के मैकियावेली, ये मैकियावेली की प्रमुख जो ग्रंथ है या किताब है उसका नाम है प्रिंस, उन्होंने किताब जो लिखा उसका नाम है प्रिंस, या आपको नोट से मिल जाएगा, रट्टा मार दीजिएगा। अच्छा, भारतीय राजनीति विज्ञान का जो पिता कहा जाता है वास्तव में वह हम कहते हैं कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति है, इसके उपनाम है। अब क्यों कहा जाता है, चाणक्य की एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, वह क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया। हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के अगर प्रेरणा कोई है या कोई अगर उसके आधार माने तो हम किसको मानेंगे, उस अर्थशास्त्र को मानेंगे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की। ठीक, नारायण, चलिए। और आधुनिक लोकतंत्र का जो पिता है वह क्या है, रूसो, फ्रांस का रूसो, इसकी प्रमुख पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अच्छा, आधुनिक लोकतंत्र का, आधुनिक लोकतंत्र को अपनाने वाला पहला देश ब्रिटेन। ठीक, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू। अच्छा हाँ, एक बात मैंने गलत बता दी थी, 1776 में अमेरिका आजाद हुआ लेकिन संविधान बनने में 3 वर्षों का समय लगा, सॉरी मैं वहां से गलत बता दिया था, तो 1779 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, 1779। अच्छा, भारत में लोकतंत्र व्यवस्था का जो पहला साक्ष्य मिलता है वह भारतीय ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में साफ साफ लिखा गया है कि जनस्य गोपतस्य राज्य के रूप में प्राप्त होता है, मतलब जैसे भी बताएंगे इसकी लंबी कहानी इतिहास जब पढ़ाएंगे आप लोग को तो बताएंगे कैसे वहां पे लोकतंत्र का उदय हुआ था। ठीक, अभी हम लोग खींचेंगे लंबा हो जाएगा। अच्छा, यूनान के प्लेटो
अरस्तु के जो गुरु थे उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक, ठीक, ये भी पुस्तक है। और भारतीय जो संविधान के प्रणेता अगर हम मानेंगे, क्योंकि जो शुरुआत किया था, जो उन्होंने रचना की थी कौटिल्य ने अपने शास्त्र में, वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के साथ साथ भारतीय राजनीति का एक सबसे बड़ा झलक दिखाती है, इसलिए उन्हें प्रणेता कह सकते हैं। अब आगे आते हैं संघात्मक शासन प्रणाली जो है वो कनाडा मॉडल पर हमारे यहाँ आधारित है, जिसकी केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, राज्य को कम। इससे हमारे जो शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था लिए तो हम किससे, ब्रिटेन से, किंतु जो उसका जो व्यवस्था शासन प्रणाली है वो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया। यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है और राज्य सरकार को कम शक्तियां प्राप्त है, ये कहा नहीं है हम कनाडा से। भारत में लगभग 190 वर्षों तक, कहीं ना कहीं 200 वर्षों तक ब्रिटेन का शासन रहा, ब्रिटेन का आधिपत्य रहा। इसलिए जब भारतीय संविधान को बनाया जाने लगा तो इस बात का विशेष ख्याल किया गया कि भारत का संविधान कैसा होगा, देश का संविधान कैसा होगा। इसके लिए समस्याएं हुई, जैसे कि अगर 200 वर्षों तक भारतीय शासन व्यवस्था को किसी, जैसे एक सिंपल सुधार लेते हैं, नाली में कोई कीड़ा था, आप जा रहे हो, देख के अगर आपको दया आ जाए तो नाली में बेचारा क्या हो जाएगा, मर रहा है, उसे उठा के आप आरओ में पानी डाल दीजिए, क्या होगा, मर जाएगा। क्यों, उसके अनुकूलित नहीं है वो, उसे नहीं है। जैसे एक शेर लीजिए, दो जंगल में एक माँ के एक शेरनी के दो शेर लीजिए, दो सावा एक जंगल में छोड़ दीजिए, अगले कह सरकार वाले को भेज दीजिए, सरकार वाला शेर को पाल दिया, शेर बड़ा हो गया, अब उसे डंडा के नोक पे क्या करता है, उठाता है और बैठाता है। सरकार ने नियम लगाया कि बाघ को छोड़ दो, अगर आप उस शेर को जंगल में छोड़ देते हैं तो खुद से दहाड़ना तक नहीं जाता, जब तक उसके ऊपर चाबुक न चले, उसे 10 जंगली कुत्ते अगर मिल जाए शेर को चबा जाए। क्यों, क्योंकि कुत्ते से बदतर हो गया, वही जंगल में रहने वाला शेर एक बार दहाड़ता पूरा जंगल साफ हो जाता है। अब इसका इससे क्या मिला, क्योंकि हम ब्रिटेन के संविधान के अधीन जी रहे थे, अगर कोई नई शासन व्यवस्था आती तो हम उस जंगल शेर के भांति होते, हम जंगल समझ नहीं आता, और कुत्ते हमारा शिकार कर जाते, हमारे शेर का शिकार कौन कर गया, कुत्ते कर जाएंगे, ये कुत्ते नोच डालेंगे शेर को, क्योंकि तो चाबुक पे चलना जानता है ना, तो दहाड़ना नहीं जानता। और हम क्या थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो शासन व्यवस्था थी उसे हमने 2 साल तक वहन किया, 2 साल तक उसके साथ थे, इसलिए हम उसके शासन व्यवस्था को समझते थे और जानते थे और हम उसी को फॉलो करते थे, हम माने पूरे भारतीय। अचानक कोई नई व्यवस्था आती हमारे लिए क्या होता, नया एक ठो नोटबंदी होती है, कहते हैं 8 नवंबर की 8 बजे 125 करोड़ देशवासियों, आज से 1500 के जो नोट है अपना लीगल टेंडर खो जाते हैं, पूरा देश सड़क पे आ जाता है। संविधान के 1 आर्टिकल में संशोधन किया गया, पूरा देश सड़क पे आ गया। अगर पूरी संविधान बदल ली जाए तो देश का क्या होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जब संविधान बनाया गया इस बात का विशेष ख्याल किया गया कि जो नियम बने थे उसी में थोड़ा बहुत नियम बना दिया जाए, अब बाकी परिवर्तन करा जाएगा, कौन बताने जाएगा लोगों को। अब आपको पता, अगर आपको कोई मारेगा कहां जाएंगे थाने पे, अब ये पता हो जाए, नहीं व्यवस्था है, तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप पे पता चल गया क्या हो रहा है, तब कैसे पता चलता, तब तो वही जानते थे ना, कोर्ट कचहरी चक्कर। तो इसलिए उन्हीं नियम कानूनों को पालन करने के लिए हमने ज्यादातर हिस्सा ब्रिटेन से अडॉप्ट किया, उसमें भी सबसे ज्यादा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ज्यादातर हिस्सा हमने क्या किया, अडॉप्ट किया भारतीय शासन व्यवस्था, कितना 1935, लगभग 75% से ज्यादा हिस्सा सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ हमने अडॉप्ट किया, हमने माने इंडिया में। इसका रीजन क्या था जो मैंने बताया, क्योंकि हम उनके कानूनों को समझ चुके थे, जानते थे, उसको शासन व्यवस्था द्वारा उनके द्वारा चलते भी थे, इसलिए हमने उसी को सशब्द लिया या तो थोड़े बहुत परिवर्तन किए, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। और आगे देखते हैं, अच्छा उसके साथ साथ भारतीय संविधान में हमारे देश के जितने भी महानुभाव थे, जितने भी देश के प्रति जिन्होंने अपने कुर्बानियां दी, महानुभाव आंदोलनकारी वो थे, उनका भी कहीं ना कहीं बड़ा योगदान रहा, वो अंग्रेजों से लगातार डट के लड़ते रहे, अंग्रेज को घुटना पिला दिए, तब जाके हमें ये आजादी मिली और हम संविधान लिख सके। इसलिए हमें उनको भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनके योगदान अहम थे, अगर अपना योगदान न देते, अपना बलिदान न देते, शायद हम आज स्वतंत्रता कितने साल बाद मिलती यह पूरी कल्पना होती। इसलिए हम संविधान पढ़ते समय उनको भी याद करना चाहिए, कि अगर वो ना होते तो हम कहाँ होते, कल्पना नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान की भारत में किस तरह से मांग हुई, इसका क्रम विकास क्या क्या है। भारत में जो संविधान बना इसका सबसे पहली मांग, यहाँ पे सिलेबस तो नहीं है कि फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके काम का नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है।
चलिए अब जो महत्वपूर्ण चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, संविधान सभा में कांग्रेस को 208 सदस्य थे, याद कर सकते हैं। इसमें मुस्लिम लीग के 73 जो 8 निर्दलीय तथा अन्य समुदाय के एक एक प्रतिनिधि सम्मिलित थे भारतीय संविधान में। समुदाय दृष्टि से कुल 213 सदस्य जनरल सामान्य वर्ग, 79 मुस्लिम, 4 सिख थे। एक क्वेश्चन और पूछता है, भारत के संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी सदस्य? तो 15, याद रखिएगा मैंने बताया वीडियो में 15 महिला सदस्य थी। यह प्रश्न पूछ चुका है कई बार एसएससी में, 15 थी, 15 का नाम इस नोट्स में है और किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा जल्दी। और हैदराबाद रियासत, जो हैदराबाद रियासत था वह संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था, वह वल्लभ भाई पटेल जिसकी भी मूर्ति बनी है उनकी देन है, भारत के नक्शे में सम्मिलित किया गया, वरना क्या स्थिति होती हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आगे, संविधान सभा में कुल 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे बड़ी जो समिति थी वो मूलाधिकार की थी, फंडामेंटल राइट की, जिसमें कुल 54 सदस्य थे, 54 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसलिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है क्योंकि उनकी मूर्ति रह गई, इसलिए उनको हम बहुत जोर देकर आपको बता रहे हैं। और आगे देखते हैं, उसके बाद जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, इसमें 7 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीम। इनकी भी अग्रणी भूमिका रही है हमारे भारतीय संविधान। फिर गांधी जी के सुझाव पर, गांधी जी के सुझाव पर पहले अंबेडकर जी उस बंगाल से चुने गए थे, फिर बाद में इन्हें मुंबई के पास पुणे से निर्वाचित किया गया। यह प्रश्न पूछता है, जो भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें अंबेडकर जी कहां से चुनकर गए थे? पहले वो पूर्वी बांग्लादेश पाकिस्तान से चुनकर गए, सॉरी बंगाल से चुनकर गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, बंगाल से चुन जाने के बाद वहां पे एक समस्या हो गई कि वहां पर जब बंटवारा होने लगा तो चला गया पूर्वी पाकिस्तान से, तो वहां से पद छोड़ दिया गया। फिर वो मुंबई के पास पुणे से निर्वाचित होकर संविधान सभा में गए थे, जो प्रारंभ समिति के अध्यक्ष थे, कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे, अच्छा, गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं होने वाले व्यक्ति, माने वह इतने चर्चित होते हुए भी, राष्ट्रपिता होते हुए भी वह क्या थे? संविधान सभा में नहीं सम्मिलित हुए। अच्छा, जो संविधान सभा थी उसमें जो संसद थी उसकी अहम भूमिका थी, जितने भी संविधान में नियम कानून बनाए गए वह बकायदे परिचर्चा चर्चा करने के बाद संसदात्मक रूप से उसे पारित करके बनाया गया था। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो बी एन राव थे, अम्बेडकर नहीं थे। अच्छा, संविधान सभा में कांग्रेस की तरफ से उसमें वकीलों की संख्या सर्वाधिक थी, जो संविधान सभा बनाई गई थी जो सदस्य जो थे उसमें सबसे ज्यादा संख्या वकीलों की थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, पूरा कांग्रेस ही तो था और कांग्रेस ही भारत। अच्छा, संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक 55 तथा मद्रास से 49 सदस्य आए थे, महत्वपूर्ण है। संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य आए थे? 55 सदस्य तथा मद्रास से 49। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, जहां से 55 सदस्य संविधान सभा में गए थे आज भी, 49 मद्रास से। आज भी यदि किसी को देश का प्रधानमंत्री बनना हो तो उसकी जो रास्ता है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से होकर जाता है, यहां से जो नहीं पार किया वो संविधान वह प्रधानमंत्री बनने का सपना पूर्ण बहुमत का तो नहीं दे सकता, वह गठबंधन की सरकार बना सकता है वरना पूर्ण बहुमत की नहीं बना सकता। तो यह वही उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था, जिसकी वर्तमान राजधानी लखनऊ है। और प्रधान मुख्यमंत्री कौन है? हाँ जी, आदित्यनाथ योगी जी। अच्छा, 1938 में, अच्छा ये हो गया आपका। तो अच्छा, ब्रिटेन की अच्छा, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान को मान लिया गया कि भारत में एक संविधान होना चाहिए, किंतु अस्पष्ट उसने संविधान देने की बात, ये इंपॉर्टेंट है, 1942 के मार्च 1942 के क्रिप्सन प्रस्ताव में किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के सत्ता में आने तक 20 जून 1948 तक भारत को अंतिम रूप से छोड़ने की घोषणा की गई। यह प्रश्न पूछता है, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एलिमेंट एटली लेबर पार्टी का, हाँ, तो पहले आ गया था, द्वितीय विश्व युद्ध 45 में खत्म हुआ ना, 45 में चला था, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि हमें सम्मिलित करेंगे तो मैं आपको आजाद करूंगा जी। अच्छा, 20 जून 1948 तक छोड़ देने को कैबिनेट मिशन बनाई की। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो क्या था? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्सन, एबी अलेक्जेंडर। ये भी प्रश्न पूछता है, तीन लोग आए थे
और भारत में 24 मार्च 1946 को आए इसकी सिफारिश पर ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, जो 2 वर्ष 18 माह 11 दिन में संविधान की रचना की, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस प्रकार इस टॉपिक का खत्म करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा गठन कार्य और कैसे संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या चीजें आई, संविधान के स्रोत क्या है, संविधान कैसे बना, इस सब की चर्चा करेंगे और एक दिन में पूरी एक टॉपिक खत्म करेंगे और 12 से 15 दिन में संविधान पूरी तरह से खत्म। आपको क्या करना है, मेरी लेक्चर सुन लिया, यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मैं घुस के बताया। अभी तो ओवर ओवर ऊपर ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने आपको जहां तक हो सका मैं उतना विधिवत बताने का प्रयास किया। और अगर आप लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम इंस्टॉल करके दुर्गेश सर सर्च करके वहां जुड़ सकते हैं, या फेसबुक पेज ई लर्निंग में दुर्गेश सर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए भी 6306344367 पे कॉल करके ऑनलाइन क्लास की जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पूरी नोट्स हमारे यहाँ से उपलब्ध होगी, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन नोट्स ले सकते हैं। रही बात कि मेरे नोट्स बेहतर होंगे या नहीं, अब यूपीटेट में देख लीजिएगा वो कैसे हैं, किफायती है अथवा नहीं। आप किताबें खरीदते हैं मोटी मोटी, लेकिन हम क्या करते हैं उन्हीं किताबों से वो चीजें निकाल देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदगी का ये 40 दिन आपके लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगा। यदि इस बार आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो हो सकता है कहीं ना कहीं वह आपके इतनी बड़ी दोबारा न वैकेंसी आए और न इतना बड़ा आपको मनोबल बढ़े कि वास्तव में जिस उमंग उम्मीद के साथ इस बार आप पढ़ रहे जीवन में इतना कभी नहीं पढ़े थे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर उस उम्मीद से पढ़े होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप शायद यह परिणाम सकारात्मक हो, लेकिन मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि पिछली बार क्या था 82 और 90 नंबर लाके क्वालिफाई होना था, लेकिन इस बार वही व्यक्ति आपके साथ क्वालिफाई हुआ है जो पढ़ा था। और अब आपकी लड़ाई जो होगी उनसे होगी जो पढ़ने वाले थे, इसके पर लड़ाई अपने आप से थी 82 और 90 की, लेकिन अब लड़ाई 4 लाख की लगभग संख्या से होती हुई। और एक सीट आपको पढ़ने के लिए आपको 3.5 लाख लोगों को क्या करना होगा, सुपरसीड करना होगा, मतलब एक सीट पाने के लिए 3.5 लाख को क्रॉस करना होगा। इसलिए आपको अपनी जिंदगी का बेस्ट देना होगा, और जल्द ही मैं आपको 8000 क्वेश्चन का समूह कल से या परसों देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि उसको फोटोस्टेट कराना है, पूरा प्रिंट कराना है, तो पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन बन के तैयार है। बस जैसे हुआ सब कुछ आपका क्लास शुरू हो जाएगा, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासे मेरी शुरू है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है, और फिर भी अगर आप कहीं भी पढ़िए, मेरे लायक जो भी जरूरत होगी मैं आप सभी के साथ हूँ, मैं सदैव आप सबकी मदद के लिए तत्पर हूँ। हाँ, अगर वीडियो बेहतर लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप सबकी तरह किसी गली कुच्चे कोचे में परेशान हो सकता है उसके लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो और उसके लिए उपयोगी हो, इसलिए शेयर जरूर करिएगा, हो सके लाइक करिएगा, लाइक मत करिएगा, क्योंकि लाइक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे है कि अगर किसी व्यक्ति की मदद हो जाएगी मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और आपकी भविष्य कि जो विजय रथ है इसे मत रोकिएगा, आगे बढ़ने दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।